अज़बल शौनिमी बिस्मिल रहीम एक शख्स अपनी गाड़ी धो रहा था गाड़ी बिल्कुल नई थी चंद दिन पहले ख़रीदी गई थी इसका चार सारा बेटा आया और पत्थर उठाकर गाड़ी पर स्क्रैच डालने शुरू कर दिए यह देखकर वो शख्स गुस्से से पागल हो गया उसने अपने चार साल बच्चे का हाथ पकड़ा और उस पर कई ज़रबें लगाई वो शख्स ये भूल गया कि उसके हाथ में नट खोलने वाला रैंच है उसने राई से अपने चार साल बेटे के हाथ पर ज़रबे लगाए बच्चे को अस्पताल ले जाया गया और बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स की बिना पर बच्चे के ज़ख्मी हाथ की तमाम उंगलियां काटनी पड़ी जब बच्चे को होश आया उसने अपने बाप को देखा तो आवाज़ और आंखों में दर्द लिए फ़ौर अपने बाप से पूछा बाबा मेरी उंगलियां कब वापस आएंगी बाप के पास उस बच्चे के सवाल का कोई जवाब नहीं था वो अफसरदा हुआ और ख़ामोश रहा वो घर आया और गुस्से में अपनी कार को टांगों से ज़रबे लगाने लगा था कार कर वो कार के पास बैठ गया उस वक्त उसकी नज़र इन स्क्रैच पर पड़ी जो उसके चार साल बेटे ने पत्थर से लगाए थे वो स्क्रैच नहीं थे उसने पत्थर से गाड़ी पर एक फ़िक्र लिखा था लव यू पापा अगले दिन उस शख्स ने दिल बर्दाश्त होकर ख़ुदकुशी कर ली गुस्से और प्यार की कोई हद नहीं होती ये फैसला आपको करना है कि खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए इन दोनों में से कौन सा मुनासब रास्ता है पुराने वक्तों में चीज़ें चीज़ें इस्तेमाल इस्तेमाल की जाती थी और इंसानों से प्यार किया जाता था हमारे दौर का अलमिया यह है कि चीज़ों से प्यार किया जाता है और इंसानों को इस्तेमाल किया जाता है हर दिन सुबह को घर से यह ख्याल दिमाग में बिठा कर निकलें कि चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए हैं और इंसान प्यार करने के लिए हैं यह एक रास्ता है जिससे हम अपना और दूसरों का दिन अच्छा बना सकते हैं अपने ख्याल की हिफाजत करें यह ख़्यालत अलफा बन जाते हैं अलफाज अमाल बन जाते हैं अपने अमाल की हिफाजत करें ये आदत बन जाती हैं और अपनी आदतों की हिफाजत करें ये किरदार बन जाती हैं और अपने किरदार की हिफाजत करें ये, ये आपकी किस्मत आपका नसीब बन जाता है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़